नमस्कार, क्या आपने मधुबनी चित्रकला का नाम सुना है? नहीं सुना तो आइए आपको मधुबनी चित्रकला के विषय में बताते हैं। मधुबनी चित्रकला को मिथिला चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका प्रारंभ ही मिथिला क्षेत्र बिहार, दरभंगा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की चित्रकला है। कहा जाता है भारत और विदेशों में प्रचलित यह चित्रकला, इसमें मधुबनी में प्राकृतिक दृश्य, पौराणिक कथाओं, विवाह और जन्म चक्र से संबंधित घटनाओं को चित्रित किया जाता है। इसका समय काल रामायण काल से माना जाता है। राजा जनक मिथिला के राजा थे। मिथिला क्षेत्र में राजा जनक का वर्चस्व था। वे चाहते उनकी बेटी का विवाह राम से तय हुआ था। राम और सीता का विवाह ऐसा होना चाहिए कि लोग याद रखें। इस उद्देश्य उन्होंने अपनी जनता को आदेश दिया कि वह अपने घरों की दीवारों और आंगन में ऐसी सजावट करें जिसमें मिथिला संस्कृति की झलक और उसकी महानता का पता चल सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए महिलाओं ने अपने घरों की दीवारों और आंगन में सुंदर और अद्वितीय चित्रकारी की। इसमें उन्होंने प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया। यह एक गांव की लोक कला थी, परंतु 1934 में मिथिलांचल में एक बड़ा भूकंप आया जिसमें बहुत नुकसान हुआ, और इस नुकसान को देखने के लिए मधुबनी के ऑफिसर विलियम आर्चर देखने के लिए आए। उन्होंने देखा यह एक नई और अनोखी चित्रकला है। भूकंप में गिर चुके घरों की दीवारों के टुकड़ों पर जो चित्रकला बनी थी वह मीरो और पिकासो जैसे मॉडर्न आर्टिस्टों जैसी लग रही थी। उन्होंने इस चित्रकला के फोटो खींची जो ब्लैक एंड व्हाइट है। कहा जाता है कि यह मधुबनी चित्रकला के सबसे पुरानी फोटो है, क्योंकि उनको यह कला में एक विशेषता दिखाई दी। उन्होंने 1949 में माँ के नाम से एक टाइटल लिखा जिसमें मधुबनी कला की खासियत थी। इस खासियत से मधुबनी कला के बारे में विश्व को, दुनिया भर को मधुबनी कला का परिचय हुआ और उसकी सुंदरता के विषय में जानकारी मिली। कहा जाता है मधुबनी चित्रकला सुंदरता के साथ साथ प्रकृति को बचाए रखने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। मधुबनी चित्रकला की सबसे बड़ी पेंटिंग्स मधुबनी रेलवे स्टेशन पर 7,005 वर्ग फीट की बनाई गई है। दीवारों पर चित्रकारी होने से कोई भी दीवारों को गंदा नहीं करता। मधुबनी चित्रकला स्वच्छता अभियान में योगदान देने के साथ साथ वनों की कटाई की रोकथाम में भी सहायक है। लोग वनों को काटने से रुक जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि उन पर देवी देवताओं का भी चित्रण किया जाता है। मधुबनी चित्रकला में महिलाओं को कई सम्मान से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पद्मश्री और राष्ट्रीय सम्मान है। कहा जाता है बिहार की मधुबनी चित्रकला को आज दुनिया भर में जाना जाता है। इसका जो श्रेय है वह महिलाओं को जाता है। यह आज के समय में यह मधुबनी कला महिलाओं द्वारा और पुरुषों द्वारा भी की जाती है। यह एक सिर्फ लोक कला नहीं है, यह दुनिया भर में जानी जाती है। यह मधुबनी कला का एक संक्षिप्त विवरण है। धन्यवाद।